हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कप नूडल, और कप नूडल के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि कैसे ये बनती है और कितने एंजॉय से हम इसको खा सकते हैं। आज सब कुछ रहने वाला है कप नूडल पर बेस्ड, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, और वीडियो को पूरी देखना, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। देखिए दोस्तों, तो करते हैं दोस्तों इसको अनबॉक्स, और देखिए हमने एक नाइफ की हेल्प लिया इसको अनबॉक्स करने के लिए। दोस्तों इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है, मतलब कैसे ये बनेगी, और अगर हम आपको दिखा देते हैं तो इस पर लिखा है दोस्तों, यहां पर इंस्ट्रक्शन लिखी है दोस्तों सारी, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप। Pull back the lid halfway and fill the cup with hot water up to the inside line. मतलब एक अंदर इसके लाइन है, उस लाइन तक हमें इसे फुल कर देना है, पानी भर देना है इसमें गर्म पानी। क्लोज द लिड एंड वेट फॉर 3 मिनट। और इस लिड को इतना, ये जो हाफ लिड है, इसको ओपन करेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे थोड़ी देर तक, पकड़ के रखेंगे, क्योंकि जो वार्म वाटर होगा वो इसको बनाएगा उस टाइम। रिमूव द लिड, स्टिर वेल टू मिक्स द इनग्रीडियंट, और फिर इसको मिक्स कर लेना प्रॉपरली, और मिक्स करने के बाद फिर इसे हम खा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस लिड को ओपन करने जा रहा हूं, देखिए। दोस्तों बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसमें, मजा, पूरा मजा आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों जब मैंने ओपन किया, देखिए क्या निकला इसके अंदर से, और यह है एक चम्मच इसमें, और चम्मच भी देखिए दोस्तों, ऐसा चम्मच आपने पहले कभी देखा है। तो क्या है इसमें, जैसे इसको ऐसे करेंगे ना, तो ये यहाँ से, ये देखिए इसको ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे, अब ये सीधा हो गया बिल्कुल, अब कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें। तो इसको रख देते हैं साइड में, और अब इसमें डालते हैं गर्म पानी, और इसमें एक लाइन है दोस्तों, में कोई लाइन तो नहीं दिख रही दोस्तों, लेकिन जहां तक ये नूडल है ना, मतलब यहां तक पानी डाल देंगे इसमें गर्म पानी। इंग्रेडिएंट देखो दोस्तों इसके अंदर, मतलब कॉर्न है इसके अंदर, और पीस भी है इसके अंदर, और इतना अच्छा मसाला जो ऊपर ही है, मतलब मसाला तो बिल्कुल देखने में बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों। नॉर्मली हम मैगी खाते हैं या फिर यप्पी नूडल खाते हैं, लेकिन आज मेरा मन किया कि आज कप नूडल लेके आते हैं। और दोस्तों मुझे एक बात लग रही है, जैसे कि घर में तो कप नूडल का कोई बेनिफिट नहीं है खाने का, क्योंकि वही टेस्ट है, वेजिटेबल तो घर पे होते हैं, हम डाल सकते हैं। इसका फायदा है दोस्तों, अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं, अगर हम कहीं पे घूमने जा रहे हैं और वहां पर खाने पीने की जैसे कमी है, या फिर कुछ एकदम से कुछ नहीं मिल पा रहा, तो हम कप नूडल्स अपने साथ रख सकते हैं, और जब भी हमें भूख लगे तो गर्म पानी करके थोड़ा सा इसके अंदर डालो, 3 मिनट तक वेट करो, और ये हमारे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। तो करते हैं हम भी इसमें, गर्म पानी डालते हैं दोस्तों, और फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देखिए भाप उठ रही है, गर्म पानी है मेरे पास, और इसको हम डाल रहे हैं इसके अंदर। मैं किया दोस्तों कप नूडल, तो हमने दोस्तों इसमें गर्म पानी डाल दिया है, और हम इस लिड को अब बंद करने जा रहे हैं। मतलब दोस्तों ये मतलब प्रॉपर बंद नहीं हो रही, लेकिन हम इसको थोड़ा पकड़ के रखते हैं, जैसे 3 मिनट तक तो नहीं पकड़ा जा सकता ये, हम इसको ऐसे ही रखते हैं थोड़ा, और अब 3 मिनट तक वेट करते हैं। दोस्तों 3 मिनट हो चुके हैं, और देखते हैं एक बार कि ये बनी है कि नहीं। इसको लिड को पूरा हटा देते हैं, अब देखते हैं दोस्तों ये बनी है या नहीं बनी। तो देखिए दोस्तों मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है इसके वो सब मिक्स कर लिए प्रॉपरली, तो अब कुछ ऐसी लग रही है देखने में। अगर हम बात करें दोस्तों कितनी क्वांटिटी इसके अंदर है, तो एक मैगी जो हम नॉर्मली खाते हैं उससे डबल है, लेकिन अब देखते हैं टेस्ट कैसा होगा इसका। देखिए दोस्तों, फिर से देखिए दोस्तों, टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों, टेस्ट कैसा होगा। मजा आ गया दोस्तों, पूरा आनंद।
और बन भी गई है 3 मिनट में दोस्तों। मेरे को ये लग रहा था कि ये 3 मिनट में बनेगी नहीं, और फिर मैं इसे नॉर्मली जैसे घर में बनाते हैं वैसे बनाऊंगा है, और फिर मतलब सबको बताऊंगा कि ये 3 मिनट में नहीं बनती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, पूरे 3 मिनट मैंने वेट किया, ना ज्यादा ना कम, और ये 3 मिनट में तैयार होगी बन के, और खाने में इतनी टेस्टी है ना दोस्तों, मजा ही आ गया। तो मैं आपको जरूर कहूंगा एक बार आप भी इसे ट्राई करना। अगर आपने ये ट्राई ऑलरेडी कर रखी है तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो करते हैं दोस्तों इसको इंजॉय। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कॉर्न भी है इसके अंदर, और जो मटर होते हैं मटर भी इसके अंदर है, तो सब कुछ है इसके अंदर दोस्तों। एक तरह से हेल्थी है दोस्तों ये पूरी। और एक और मैं बात बता दूं आपसे कि जैसे आप मैगी परचेज करेंगे तो 22 रुपीज के आसपास ही पड़ेगी दो आपको, और बनाने में भी इतना मतलब झंझट होता है उसमें, गरम करो, ये करो, वो करो, 2 मिनट वेट करो, मसाले वगैरह डालो, गरम करो। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पानी डालना गरम करके, तो 3 मिनट बाद ये बन जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट है, और आगे से मैं तो यही खाने वाला हूँ। और दोस्तों एक और बात, बर्तन भी गंदे नहीं होंगे आपके, ये लेके आओ पानी डालो बस, इसी में खाओ, चम्मच भी इसके साथ है। देखिए टेस्ट, टेस्ट दोस्तों, टेस्ट के लिए सब कुछ है। सबसे असली बात जो मैं आपको बता दूं, ये मैदे की नहीं है दोस्तों, ये आटे की है, और आटा नूडल्स एक तरह से हमारे बॉडी के लिए ठीक रहती है, कोई नुकसान नहीं होता उनका, तो हम इसे खा सकते हैं। एक गलती होगी दोस्तों, पानी ज्यादा डाल दिया थोड़ा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगा तो पानी का मैं ध्यान रखने वाला हूं। जो इसमें नूडल्स है ना दोस्तों, वो ऊपर थी, और मैंने अब देखा कि इसके अंदर एक निशान होता है, वो नूडल से थोड़ी नीचे था, मतलब मेरे को पहले थोड़ा उसको किसी चीज से पुश करके नीचे करना चाहिए था और फिर पानी डालना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, फर्स्ट टाइम में ऐसा होता है हर चीज के साथ। दोस्तों जो मैगी है मतलब उसमें पानी भी है थोड़ा, और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी उसमें तैर रहे हैं, तो अब इससे तो नहीं खाया जाएगा, तो अभी चम्मच का यूज करना पड़ेगा। तो उसको रख देता हूँ साइड में, और अब हमारा घर का जो नॉर्मली चम्मच है वो चलेगा। तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो अपना चम्मच अपने साथ लेके चलें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको मैगी खानी पड़ी और उसमें वेजिटेबल तैर रहे हुए, तो फिर आपको चम्मच की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों,
देखिए है ना वेजिटेबल, तो खाते हैं ऐसे। पूरा मजा आया दोस्तों। एक लास्ट बात जो बतानी रह गई आपको कि इसकी जो एमआरपी है वो आप देखिए कितनी है, मतलब देख लीजिए आप। इतना मैं इसमें एक बूंद बची है वो खा लेता हूँ। ₹50 एमआरपी है दोस्तों, मतलब 45 या 48 के आसपास आपको ये पड़ेगी। लेकिन आपको बेनिफिट मैंने इसके बताया कितने हैं, मतलब आपको बर्तन नहीं गंदे होंगे करके, आपके बस ₹50 लगने हैं, गर्म पानी लगना है, वो किसी शॉप से आपको मिल ही जाएगा। तो आप इंजॉय कर सकते हो दोस्तों कप नूडल। ऐसे ऐसी और वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MM Foodies।